गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मंगल कार्य किया जाता है तो श्री गणेश भगवान का प्रथम पूजन होता है। इसका कारण यह है, सुने। शिव शंकर भगवान से गौरा जी ने है ये वचन लिया, गजाननन श्री गणपति की जग में होगी पहले पूजा। मंगल कार्य कोई भी हो लेकिन तब ही होंगे पूर्ण, विधि विधान से किया जाएगा जब श्री गणपति का पूजन। फूल पान गंगा जल लेकर नतमस्तक सब आएंगे और मोदक का थाल भी वो सब अपने साथ मिलाएंगे, तब ही मंगल कार्य है जितने वो सारे संपन्न होंगे। लंबोदर के सेवादार सभी तब ही धन धन होंगे। इसीलिए तो होता पहले उनका गुणगान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए विघ्न विनाशक जी की जय। भक्तजनों, श्री गणेश का पूजन सिमरन कितना फलदायी है उसका वर्णन करना तो बड़ा ही कठिन है। वो भूमि बड़ी ही पावन है जहां उनकी पूजा होती है। बड़ा ही फलदायी है भक्तों गिरजा नंदन का पूजन, बड़ा ही सुखदायी है भक्तों भाल चंद जी का सिमरन। एक दंती का सिमरन दुख संकट से मुक्त कराता है, विकट विनायक का पूजन जीवन में खुशियां लाता है। लंबोदर के पूजन से सारे कलेश मिट जाते हैं, उनकी ज्योत के जलते ही सब विघ्न दूर हट जाते हैं। वक्र तुंड के जाप से विचलित मन को शांति मिलती है, सिद्धि विनायक रटिए तो विघ्नों से मुक्ति मिलती है। विघ्न वहां से फौरन कर देते हैं प्रस्थान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। Thank you.
जय जय गणपति बप्पा मोरिया। भक्तों, श्री गणेश भगवान कैसे दानी और दाता हैं कि यदि कोई उनकी पूजा अर्चना करता है तो उसके बदले में मूषक उस पे किस प्रकार कृपा करते हैं, आइए सुनते हैं। कोढ़ी को काया मिलती है, आंखें पाते हैं अंधन, बांझों को ये पुत्र है देते, निर्धन को है देते धन। देवा के जैसा संसार में दाता नहीं कोई देखा, उसको मेवा मिलता है जो करता है उनकी सेवा। देवा के दरबार में सबको मन की मुरादें मिलती है, देवा की चौखट पे आशाओं की कलियां खिलती हैं। दानवीर है विश्व के राजा, इसमें नहीं है कोई शक, इसीलिए गुणगान है करते उनका सारे ही साधक। रिद्धि और सिद्धि के है दाता बड़े महान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते भक्तों। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक बुद्धि विधाता की जय। श्री गणेश कितने बुद्धिमान एवं चतुर हैं ये सारा संसार जानता है। इसी बुद्धिमानी के कारण श्री मयूरेश्वर कार्तिकेय से पहले इनका विवाह हुआ। ओमानंदन की बुद्धिमानी का कोई हिसाब नहीं, उनकी चतुराई का भी दे सकता कोई जवाब नहीं। बुद्धि जो मांगे इनसे ये उसको बुद्धि देते हैं, और जो इनसे ख्याति मांगे उसको ख्याति देते हैं। सुख करता और दुख हरता है उमा के ये राजकुंवर, दया की दृष्टि रखते हैं ये सदा ही अपने भक्तों पर। माता पिता की आज्ञा का करते न कभी वो उल्लंघन, इसीलिए तो श्री गणेश है गुणवंता और बुद्धिमन। एक दंती ये भगवन है बड़े ही बुद्धिमान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते भक्तों। श्री प्रथमेश्वर महाबल श्री गणपति बड़े योद्धा एवं शक्तिशाली हैं। आपने कई असुरों से युद्ध किया एवं उनका संहार किया, कैसे सुनते हैं। श्री गणेश भगवान ने कितने ही असुरों को मारा है, ऋषि मुनि और देव गणों के संकट को भी टारा है। बड़े ही शक्तिशाली है श्री गजकर्णन गणपत महाराज, पग पग पर रखते हैं अपने सेवादारी की बोलाज। कष्ट और संकट अपने भक्तों पर नहीं आने देते, विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता सबके विघ्नों को है हर लेते। दसों दिशाओं में है उनका चर्चा, उनकी है ख्याति।
इसीलिए कर जोड़ के उनसे करते हैं सब ही विनती। तीनों लोक में उनका होता है आदर मान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक बुद्धि विधाता की जय। श्री गणेश जी को क्या चीज भाती है, इस बात से कोई भी अज्ञान नहीं है। सभी जानते हैं कि भोग में वो केवल मोदक ही लेते हैं। क्यों लेते हैं सुने। विधि विधान से पूजा अर्चना उनकी जब की जाती है, भक्तों की श्रद्धा और आस्था रंग यूं अपना दिखाती है। उनके मन की मनोकामनाएं होती हैं सब पूर्ण, झोलियां उनकी भर देते हैं क्षण भर में उमा के ललन। ज्योत जगा कर आरती करते हैं उनके सब सेवादार, तभी तो मिलता है उन सबको भूपति भुवनपति का प्यार। सादर उनके चरणों में फिर शीश नवाया जाता है, केवल मोदक का ही उनको भोग लगाया जाता है। मोदक प्रिय है देवा ये जाने सगर जहान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। भक्तों एक समय की बात है, चंद्रमा जी ने श्री गणेश जी का लंबा उदर देख उनका मौखौल उड़ाया था। उनका परिणाम क्या हुआ आइए आगे सुनते हैं। लंबा उदर जो देखा उनका चंद्र ने खिल्ली उड़ाए थे, देख शशि की ये हरकत क्रोधित हो गए थे एक दंती। रुद्र प्रिय श्री तरुण का गुस्सा भक्तों जब के हद से बढ़ा, क्रोध में शाप दिया जो उसको चंद्र पे अंधियारा छाया। तीन लोक और दसों दिशाओं में फिर मच गया हाहाकार, मलिन हुआ जो चेहरा शशि का चारों तरफ छाया अंधकार। अपनी करनी पर वह भक्तों चंद्र बहुत ही पछताए, एक दंती का मखौल उड़ा कर संकट में चंद्रमा आए। महंगा पड़ा शशि को करना उनका ये अपमान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं एक दंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। बोलिए
बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। उस भूमि उस धरती का क्या कहना जहां प्रभु गणेश की पूजा होती है। निसंदेह वो भूमि बड़ी ही पवित्र एवं पावन है। कैसे? जिस भूमि पर भी होता है श्री इकदंती का चर्चा, उस धरती पर लहरा नहीं सकता है विघ्नों का झंडा। देवा का गुणगान जहां हो ऐसी भूमि पावन है। कण कण उस भूमि का भक्तों सुंदर है मन भावन है। गर्व किया करती है अपने भाग्य पे सदा ही वो धरती, जहां उमा पुत्र गणाधीश है रंभ की है पूजा होती। नतमस्तक होकर उस भूमि को करना है हमें प्रणाम, जहां श्रद्धालु लेते हैं श्रद्धा से गणपति जी का नाम। पवित्र पावन होता है भक्तों वो स्थान, जो भी उनका ध्यान धरे उसका हो कल्याण। गिरजा माँ के प्यारे हैं इकदंती भगवान, गिरजा माँ के प्यारे हैं इकदंती भगवान। कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं गणपति की, कथा सुनाते हैं। सुबह सुबह ले देवा का नाम, कर ले गणपति को तू प्रणाम। बिगड़ी बनेगी सारे का, कर ले गणपति को तू प्रणाम। ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। कष्ट और संकट तेरे मिटेंगे, राहों के सब विघ्न हटेंगे। देवा की कर तू सेवादारी, बात बनेगी बिगड़ी सारी। गणपति जी का सुमिरन कर ले, कर ले गणपति को तू प्रणाम। बिगड़ी बनेगी सारे का, बिगड़ी बनेगी सारे का। ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। हो कर ले गणपति को तू प्रणाम। सुख में होगा तेरा जीवन, कृपा करेंगे तुझ पे गजानन। गणपति जी है मोक्ष के दाता, सारे जगत के भाग्य विधाता। पाना है जो स्वर्ग का धाम, कर ले गणपति को तू प्रणाम।
बिगड़ी बनेगी सारे का, बिगड़ी बनेगी सारे का। कर ले गणपति को तू प्रणाम, ओ कर ले गणपति को तू प्रणाम। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, श्रद्धा से तू करने स्तुति, मन मंदिर में उनको बसा ले, गौरी पुत्र के गुण तू गाले, मन को बना ले गणपति धाम, कर ले गणपति को तू प्रणाम। बिगड़ी बनेगी सारे का, कर ले गणपति को तू प्रणाम, हो कर ले गणपति को तू प्रणाम।